अगर आपने पहले से ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। पर अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सबसे इम्पोर्टेंट बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपको तुरंत मिल जाए और ये बिल्कुल फ्री है। प्लास्टिक वाटर पॉल्यूशन आज की बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग ध्यान नहीं देते जिसकी वजह से कचरा प्लास्टिक ये सीवर लाइन से बहता हुआ हमारी नदियों को पॉल्यूट कर रहा है। अब इसका समाधान क्या है? ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से शहर ने बहुत सिंपल सा इसका समाधान निकाला है। उन्होंने सीवर लाइन के आगे बहुत बड़े बड़े से नेट बांध दिए। अब अगर कचरा नाले से बहता हुआ पहुंचा भी तो वो नेट में फंस जाएगा, जिससे फायदा ये होगा कि पानी तो बहता रहेगा लेकिन प्लास्टिक कभी भी नदियों तक पहुंचेगा नहीं, जिससे नदियां पॉल्यूट होने से बच जाएंगी, हमारी वाइल्ड लाइफ बचेगी, एनवायरनमेंट को बचाया जा सकेगा। आपको ये आइडिया कैसा लगा और आप क्या अपने शहर में इसको इंप्लीमेंट करना चाहेंगे, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, आप लोगों ने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और बहुत सारे सामानों पर मेड इन चाइना का स्टिकर लगे देखा होगा। ऑब्वियसली वो चाइना का प्रोडक्ट है तो मेड इन चाइना तो लिखा हुआ होगा, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि मेड इन चाइना का ये स्टिकर चाइना में बनता ही नहीं है। एक्चुअली मेड इन चाइना का ये स्टिकर साउथ कोरिया से प्रिंट होके आता है ना ये अमेजिंग बात कि पूरी दुनिया को चाइना माल सप्लाई करता है मेड इन चाइना का स्टिकर लगा के, और ये मेड इन चाइना का स्टिकर चाइना में प्रिंट ही नहीं होता। क्या आप लोगों को ये बात पहले से पता थी? और अगर नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि एक चींटी के दो पेट होते हैं? एक रिसर्च से पता लगा है कि एक चींटी के दो पेट होते हैं जिसमें से एक का इस्तेमाल वो खुद के लिए करती है जबकि दूसरे का इस्तेमाल वो एज अ स्टोरेज बैग करती है, और फिर आगे चल के वो बाकी चींटियों को अपने मुंह के द्वारा वो स्टोर्ड फूड फीड करती है। साइंस की भाषा में इसे ट्रोफ्लेक्सिस कहते हैं। चींटियों का हेल्पिंग नेचर उन्हें नेचुरली ही मिला है। काश हमारे साथ भी ऐसा कुछ होता। गाइस, क्या आप इफेक्ट जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया में कबड्डी खेल हमारे इंडिया से ही शुरू हुआ था और जिसे आज पूरी दुनिया के 31 देश खेलते हैं, लेकिन उससे भी गजब की इंफॉर्मेशन ये है कि अभी तक टोटल 6 वर्ल्ड कप कबड्डी के खेले गए हैं और 6 के 6 बार हमारे इंडिया ने उस वर्ल्ड कप को लिफ्ट किया है। जी हाँ, 6 के 6 बार कंटिन्यूसली एक ही देश हमारा देश विजेता रहा है और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सो प्राउड टू बी एन इंडियन, हमारे देश के लिए एक लाइक तो बनता है। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि जापान के एक म्यूजियम में एक ऐसा स्विमिंग पूल है जो ऊपर से देखने में स्विमिंग पूल के जैसा फील देता है लेकिन एक्चुअली वो स्विमिंग पूल है ही नहीं, वो एक इल्यूजन है, एक आभास है जिसे अर्जेंटीना के आर्टिस्ट लियांड्रो एनरिच ने तैयार किया है। एक्चुअली इस फेक स्विमिंग पूल में एक ग्लास का चैम्बर बनाया गया है जिसमें गेट भी है और आप जा भी सकते हैं। इसको रियलिस्टिक बनाने के लिए उसमें एक सीढ़ी भी लगाई गई है और उसमें वाटर की वेव्स को पैदा करने के लिए मशीन्स लगाई गई हैं। है ना अमेजिंग? क्या आप लोगों को पहले से बात पता थी? और अगर नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।